बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज दिव्या गुप्ता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आप सोच रहे होंगे कि हम इतना रेडी शेडी होके कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये बताएंगे मिस्टर रोहन गुप्ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब मैंने तो पता लग गया है कितने चल रहे हैं। कौन है ये लोग? जैसे कि आपको पता है, हम थोड़ा टाइम पहले गए थे न्यूकासल की नाइट लाइफ एंजॉय करने, बट हम एंजॉय कर नहीं पाए थे। सो आज हम वहीं जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी करेंगे, फन होगा, बहुत मजा आएगा एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मेरे साथ है मिस्टर गुप्ता एंड साथ है मेरे दो फ्रेंड्स और रमनदीप सिंह और शरण। इग्नोर कर, कोई ना। सो ये मैनू इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बदौलत जा रहे हैं आज क्लब। मैं थोनू दसूंगी बाद च पूरा सीन किया। भाभी सेट दा मुक्के खाने, दसो मुक्के खाने नहीं हो। अकोमोडेशन से जस्ट 15 मिनट्स वॉक पे है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज अगर आपको साउंड में जरा सी भी दिक्कत आ रही है, बिकॉज मैं अपना माइक लाना भूल गई। जल्दी जल्दी में हम निकल गए बिकॉज हमने 8 बजे पहुंचना था, लेकिन अभी टाइम 8:30 हो चुके हैं और अभी तक हम पहुंचे नहीं है। निकलो भूल जाओ सब कुछ। तो गाइस की मिले यार वो हैंड। ओके दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। सो समथिंग वांट्स टू ए हाथ से बैंड बनना भरावा। Thank you.
एंजॉय कर लिया, बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की। तो अभी मैं अपने फ्रेंड से इनका एक्सपीरियंस पूछती हूँ, फिर बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मिस्टर शरण, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थीगा जी, घंट मजा आया, नजारे किए। उम्मीद करते हैं सानू फिर अगली बार फ्री च बुलाया जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਕ ਮੰਗਾਇਆ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਨੱਚ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਸ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ? ਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 10:05 ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕੀਆ ਔਰ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀ, ਐਂਡ ਸਾਥ ਮੇਂ पिज्जा भी खाया। और वहाँ जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी बॉल्स वाली जो जगह थी, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया। सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद देम। एंड एक और जगह पे भी इनवाइटेड थी मैं, वो था वेरानो, लेकिन वो अभी एंट्री नहीं थी, वो है 12:30 बजे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11, सो अभी हम इतना वेट नहीं कर सकते। सो हमने सोचा हमने बहुत इंजॉय कर लिया है, तो अभी हम घर पे चलते हैं, फिर कभी देखेंगे भाई। यहाँ पे सुबह इतने लोग नहीं दिखते जितने रात को दिखते हैं, मतलब भरा पड़ा है सारे क्लब्स में, मतलब फुल है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, चिल लाइफ, यू नो, वही तभी कहते हैं ना न्यूकैसल की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। सो हमने भी आज लाइक कर ही लिया एंजॉय, अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए देखने, एक्चुअली हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मैंने ट्रायल शिफ्ट जॉब के लिए गई थी। तो अभी हम वहाँ बैठ के टशन से खाना खाएंगे। गाइस, मेरे अरमानों पे मतलब ना पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि इनके पास मैं ट्रायल शिफ्ट पे गई थी, अब इनके सामने ना टॉर से बैठ के खाना खाऊंगी, कि मैं जॉब के लिए नहीं आई, अब मैं खाने के लिए आई हूँ, मुझे सर्व करो। बट यार वो बंद है रेस्टोरेंट इस टाइम, सो सैड। फान दा तां तैनू इन्ना चा सीगा यार, चल चल के थक गए मेरे पैर। मैं लान दा भी उन्ना चा पाजी, 2 घंटे और खट जाओ, आप देख सकते हो कितनी रौनक है रात को, मतलब इतने लोग है ना, इतने तो मुझे लगता है दिन में भी नहीं होंगे जितने रात को घूम रहे हैं। तो ये देख लो, ये अपना अलग ही नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बस घर पहुंचने वाले हैं और 2 मिनट की वॉक रह गई है, तो मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। बाकी फिलहाल थक बहुत चुकी हूँ यार मैं, अभी घर चलते हैं। फाइनली गाइज, हम घर पे आ चुके हैं एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, आज मैं माइक ले जाना भूल गई, तो आपको थोड़ी सी साउंड में दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड बहुत मज़ा आया, अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सिर्फ मैं नहीं मतलब सभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। रोहन तो अभी मतलब सुबह से गए थे 6 बजे से, और शाम को आए 7 बजे आए, और 7:30 बजे हम निकल भी गए, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, उनको तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है इस टाइम। इस कपड़े चेंज करके मैं आराम फरमाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, दैट जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे मैं इनवाइटेड थी, उसके अलावा भी एक दो जगह और इन्वाइटेड थी, लेकिन उसकी टाइमिंग थी अभी 12:30 बजे रात की, तो अभी हमारे पास 1.5 घंटा था, तो इसलिए हमने वहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि सुबह रोहन को जॉब पे भी जाना था और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो फिर यू नो अपना हेल्थ का भी हमने पहले देखना है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि आपको जस्ट रील वगैरह डाल के हमें टैग करना है, स्टोरी में और पोस्ट में टैग करना है, 1 टेबल हमें फ्री मिला था। अगर और कोई मेरा नेम लेके बुकिंग करवाता तो उसको भी 1 टेबल पहले फ्री मिलता, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मेरे फॉलोअर्स बुकिंग करवाते हैं मेरा नेम लेके, तो उनको 50% ऑफ मिलता। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेरे पास ऑफर्स आ रखी हैं, जिसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी मेरे को कहाँ पे जाना है या कहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन इसके बारे में मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले अपडेट करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, दैट इज तलवार दिव्या 89। तो वहां पे मैं आपको अपडेट करूंगी क्या ऑफर्स हैं आपके लिए नेक्स्ट। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। We'll be right back.